Divine Vision RD channel. Most welcome to your family, your own channel, the ultimate spiritual destination. So after so many requests to do a full reading, I'm here with a quick short reading, quick reading, which is bigger than your shorts videos. I'm posting shorts videos every day, so do keep a check on them, okay? So yeah. And आयुर्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ये डायलॉग रजुली में नहीं था, ओके. और फ्रेंड्स, आप अगर चाहते हैं जो वीडियोस आ रहे हैं आपसे ज़्यादा एक्यूरेट हो, ज़्यादा रेजोनेट करें, तो आपको लाइक, शेयर और कमेंट करना चाहिए ताकि आपकी एनर्जीज कनेक्ट कर सके हमारे वीडियो से, ठीक है. और डेफिनेटली कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स आने वाले कुछ महीनों में. मैं अभी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, वेरी सॉरी. थैंक यू सो मच. I'm in deep gratitude for all the love you guys shower on this channel, your channel. Thank you so much. God bless you. So, tell your friends, let's get started with the topic. And pile 1, pile 2, pile 3, pile 4, हर पाइल में दो कार्ड्स मैंने रखे हैं. टॉपिक जो है, आपने as you have read the title, कि आपके एनिमी की लाइफ में 6 months के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है. और मुझे जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि दिस इज मोर और लेस कुछ उनको कर्मा ही समझ लो. कॉन्सिक्वेंस उनको मिलने वाला है आपके साथ बुरा करने का, ठीक है. बट दिस इज नॉट अ कर्मा रीडिंग. जो कार्ड्स मैंने शफल कर रही थी और जो चूज कर रहे थे, तो कुछ कार्ड्स मेरे को, एक दो कार्ड्स दिखे, तो मुझे उसे पता चला कि दिस इज मोर और लेस उनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है. बट फ्रेंड्स, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि रिवेंज इज फॉर द वीक पीपल. Strong people always forgive. Okay, so कमज़ोर लोग होते हैं जो दूसरे से रिवेंज लेते हैं और वो उल्टा साबित कर देते हैं कि जो दूसरे ने अगर उनको रिजेक्ट किया या उनको छोड़ दिया तो सही किया है, यू नो, उनका फैसला और सही साबित कर देते हैं उसको, उससे बदला लेके. तो दिस इज़ बहुत कमज़ोर लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. विधाता बैठे हैं ना, उन पर छोड़ दो. ऑलवेज फोकस ऑन बिल्डिंग, नॉट डिस्ट्रॉइंग. या चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे. चलिए इस नोट पे रीडिंग शुरू करते हैं. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4. और फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, रीडिंग्स बुक हो रही हैं, तो डेफिनेटली आप रीडिंग्स बुक कर सकते हो. एक्यूरेट रीडिंग्स और रेमेडीज सब प्रोवाइड की जाती है. कैंडल वैक्स रीडिंग्स अभी मैंने शुरुआत में शुरू करी थी, वो भी मैं कर रही हूँ. एंड सो मेनी थिंग्स, चैनल मैसेजेस एंड स्पेशल डेक्स फॉर यू, स्पेशलाइज्ड पैकेजेस फॉर यू. सो दिस सो मच मोर यू कैन लुक फॉरवर्ड टू. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर अडू. टाइम स्टैम्प्स आई विल ट्राई टू मेंशन, अदरवाइज एनी ऑफ यू फीलिंग जेनरस, यू कैन डेफिनेटली मेंशन इट, और आई विल मेंशन द टाइम स्टैम्प्स इन द कमेंट सेक्शन और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए गाइज, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4 आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, जो टाइम स्टैम्प्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हो. पाइल नंबर 1, जो आपके एनिमी है, 6 months के अंदर उनकी लाइफ में क्या होने वाला है. ये जो पर्सन है, मेल हो या फीमेल हो, उनको फर्टिलिटी इश्यूज आने वाले हैं, इनके करियर बिजनेस में इश्यूज आने वाले हैं, इनकी क्रिएटिविटी सेक्रल चक्र इनका ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है. और अगर ये फीमेल है तो आई एम इवन हियरिंग समथिंग वेरी बैड अबाउट दिस फीमेल फेमिनिन. मुझे ये सुनाई दे रहा है कि जो अगर ये फीमेल है तो इनको अनप्लान्ड प्रेगनेंसी आ सकती है. अगर ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अनमैरिड हो तो उनको प्रेगनेंसी आ जाए, ठीक है. तो ऐसा मुझे दिख रहा है, हम ऐसा कभी नहीं चाहते किसी के लिए, बट ऐसा दिख रहा है कार्ड में, तो मेरा फर्ज है आपको बताना, ठीक है. और ये मिरेकल एक्सपेक्ट करते रह जाएंगे कि इनकी लाइफ में कुछ रोशनी आए, इतनी डार्कनेस आने वाली है, ठीक है. पाइल नंबर 2, और मुझे भी मैसेज आ रहा है कि आप इनकी लाइफ में रोशनी बनकर आए थे, उन्होंने आपकी लाइफ में अंधेरा कर दिया, ठीक है. फिर आप, हो सकता है कि फिर से इनकी लाइफ में उनको फॉरगिव करें, रोशनी लेकर आए. कुछ लोगों ने फॉरगिव कर भी दिया है, ठीक है. पाइल नंबर 2, फॉरगिवनेस. ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट, अगर आपने उनको पेशेंटली परस्यू किया, चेज किया या कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, क्लैरिटी कम्युनिकेशन लाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, क्लोजर चाह रहे थे, पर आपने बहुत एफर्ट्स किए, जबकि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, समझ में मैसेज आ रहा है. फिर भी आपने जतन किए कुछ एफर्ट्स की चीज़ों को ठीक करने के लिए, फिक्स टू मेंड फेंसेस, ठीक है. बट इन्होंने नहीं कदर करी, इन्होंने बेकदरी कर दी. हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे भी मैसेज आ रहा है कि कुछ हार्श बिहेवियर इनका था, हार्श वर्ड्स, हार्श लैंग्वेज यूज किए इन सम फॉर सम पीपल. ओके, तो पाइल नंबर 2, मुझे मैसेज आ रहा है.
सो ये जो पर्सन है ये इम्पेशेंट हो जाएंगे, हर चीज इनको जल्दी चाहिए होगी, इनको इनका सब्र पेशेंस लेवल खत्म हो जाएगा, आपकी तरफ इम्पेशेंटली आगे बढ़ेंगे ये। अगर ये लव इंटरेस्ट है, रोमांटिक इंटरेस्ट है या आपके फ्रेंड हैं, तो जो भी हैं आपकी तरफ इम्पेशेंटली आगे बढ़ के आपसे माफी मांगने के लिए आतुर हो जाएंगे, क्यूरियस हो जाएंगे, डेस्परेट हो जाएंगे कि आपसे माफी मांगे, ठीक है। और ये पर्सन आपसे बात किए बिना नहीं रह पाएंगे, आपकी आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहेंगे फिर से। और मुझे मैसेज आ रहा है कि जब तक आपसे माफी नहीं मांगेंगे, इनको कुछ जो बुरा वक्त है, जो कर्मा है, जो भगवान इनको फल दे रहे हैं इनके कर्मों का, वो खत्म नहीं होगा। ये भी एक रीजन है कि आपसे माफी मांगने के लिए डेस्परेट हो जाएंगे। पाइल नंबर 3। सो इस पर्सन की लाइफ में जो ये बैलेंस बहुत बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे तो दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है जो इनकी लाइफ में, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई थर्ड पर्सन या कुछ लोग, इनका अपना फैमिली मेंबर, अपना कोई पर्सन है, कोई अपना है जो चीज़ों को, दिस पर्सन विल थ्रो दिस द बैलेंस आउट ऑफ दिस पर्सन लाइफ विद दिस पर्सन। यू सी हाउ मच आई एम फंबलिंग। डेफिनेटली इस पर्सन की कम्युनिकेशन ब्लॉक होने वाला है, इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होने वाला है, जिस तरह से मैं अभी फंबल कर रही थी। और मुझे भी मैसेज आ रहा है कि देखो डिस्पोंडेंस का कार्ड है, यू कैन सी, आप खुद देख सकते हो, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। ये पर्सन की लाइफ में दुख आने वाला है, हो सकता है ये दिखाए ना, क्योंकि क्लेवरली मास्क कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आपको पता जरूर पड़ेगा कि इनकी लाइफ में कितना दुख छा चुका है, ठीक है। आपकी खुशी आने वाली है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आने वाले हैं, और ये देख देख के आपको जलेंगे। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, आप खुद देख लीजिए, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ठीक है। सो इनकी लाइफ में जो बैलेंस है वो दूर जाने वाला है, कुछ लोग इनसे रूठने भी वाले हैं, कुछ लोगों के लिए इनको कुछ डॉक्टर या लॉयर्स के कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। पाइल नंबर 4, ओके। देखिए मिस्टिसिज्म एंड विक्टिम, ओके। सो ये पर्सन का कुछ सीक्रेट है जो बाहर आने वाला है, ये इनकी इंट्यूशन साइकिक पावर्स जो हैं आउट ऑफ बैलेंस होने वाली है, या तो ब्लॉक्ड हो जाएंगी, डिप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने मिसयूज़ किया उन पावर्स का, इसीलिए, ठीक है। और आपके साथ ही और किसी के साथ भी उन्होंने अपनी पावर को मिसयूज करके कुछ नेगेटिव किया, उनके साथ नेगेटिव पावर सेंड किया उनको, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी। ये पर्सन अभी तक दूसरों को विक्टिमाइज कर रहे थे, दूसरों को विक्टिम बना रहे थे, अब इनको कर्मा जो मिल रहा है, कर्मा समझ लो कि ये पर्सन को खुद विक्टिमाइज होंगे दूसरों के हाथों। अभी किसी को विक्टिमाइज करने लायक नहीं रहने वाले, चैनल है जो मैं बोल रही हूँ, किसी को विक्टिमाइज नहीं कर पाएंगे अभी पर्सन, एटलीस्ट काफ़ी अरसे तक ये खुद ही विक्टिमाइज होते रहेंगे हालातों की वजह से, लोगों की वजह से। और ये यहाँ तक मैसेज आ रहा है कि जो जो उनको विक्टिमाइज करेगा, उनका सीक्रेट एनिमी होगा या होगी, स्पेशली फीमेल दिख रही है, तो उनका सीक्रेट एनिमी होगी, इनको पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने भी जो आपके साथ किया, शायद कुछ लोगों को बहुत बाद में पता चला कि ये यही पर्सन है जिन्होंने ऐसा किया है। तो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ इनको पॉवर्टी, फाइनेंशियल इश्यूज भी आए। पाइल नंबर 4। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टू योर ओन चैनल द अल्टीमेट स्पिरिचुअल हब डिवाइन विजन आरडी। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। आपको ये वीडियो टॉपिक कैसा लगा और क्या टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं, जरूर मुझे बताइएगा। अपने लव्ड वंस के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को, एंड स्प्रेड द लव, शेयरिंग इज केयरिंग, एंड इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए अगर आप नहीं हैं अभी तक। हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है जब आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है हमारे वीडियोज के साथ, तो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग आएगी, ज्यादा प्रेजेंट कर पाओगे, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। सो जस्ट कीप मी पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वीडियोज, व्हाट टॉपिक्स वुड यू लाइक टू सी, एंड आई विल प्लान दोज वीडियोज सून। स्टे ट्यून्ड, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड हैव अ वंडरफुल डे और इवनिंग व्हेनेवर यू वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड।